आजाद भारत तो अब 2014 में हुआ है, इससे पहले तो गुलाम था। संविधान हट गया बिल्कुल। कौन कह रहा है ये बात? संविधान भारत बुलडोजर तंत्र चल रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। लोकतंत्र जनता का चल रहा है, भारत का संविधान बना, अमेंडमेंट हो सकता है मैडम। तो वो कौन लोग हैं जो हाथों में संविधान लिए घूम रहे हैं, फिर उनको कहाँ से मिल जा रहा है? बता रहा हूँ, मैं हाथ में लिया घूम रहा हूँ। 309 हमारे पास लिखित है। जब 3 साल का आपको बताया गया उसमें लिखा हुआ था बकायदा, लिखा गया था। तो हमसे 10 साल नौकरी क्यों कराई इन्होंने? आपको बोला था कि आप 10 साल और करते रहिए। एक बात बताओ, जो हमें रोजगार मिला हुआ हम कर रहे हैं, तो हमें क्या मतलब है? रोजगार आपने रखा है 3 साल का और 10 साल कराए, हम तो रोजगार करेंगे। इसमें सरकार की गलती, हमारी गलती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही विनती है कि हम लोग 20 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बाली के लिए। आप भी करती थी, वर्किंग थी? हाँ जी, वर्किंग थी। हम होमगार्ड में करते थे नौकरी। हमने 2094 में भर्ती हुई थी और 99 बिना नोटिस के हमें निकाल दिया था। उस दिन से हम जी बेकार बैठे, हमें कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर और यहाँ पर होम गार्ड की जो नौकरी जिनको निकाल दिया गया है उसी से रिलेट जो है भी मुद्दे पे हम बात करेंगे और यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से जान लेते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस दहिया, रघुवीर सिंह दहिया। तो क्या समस्या है जो आपको यहाँ पे आना पड़ा और यहाँ पे बैठना पड़ा? हम होम गार्ड से है, हमें जो से भर्ती किया गया था 1959 के राजपत्र के अनुसार, जिसे हमें 5, 10, 15 साल जो भी सेवा लिया और बगैर नोटिस बगैर कोई कारण हमें सेवा मुक्त कर दिया गया। बाद में हमने काफ़ी सरकार से अनुरोध किया, अपील किया भारत सरकार और राज्य सरकार से, तो भारत सरकार को किया जी हमने 1984, 1966 या 1993 में कानून बना है जो टर्निंग हैंड जो भी होमगार्ड है उनको राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को 5 डिपार्टमेंट दिए, जैसे मार्शल हो, दूरसंचार हो, जेल वार्ड हो, इस तरह के 5 हमें डिपार्टमेंट मिले, तो उनमें नौकरी दिया जाए। तो कुछ 2019 में जो मैट्रिक पास से थे वो तो ले लिए और जो अंडर मैट्रिक थे वो छोड़ दिए। हम चाहते हैं जो छूट गए वो लोग भी मार्शल या दूरसंचार या जेल वार्ड में जो शेष बच गए वो टर्निंग हैंड जवान हैं उनको 60 साल तक नौकरी दिया जाए, बहाल किया जाए बिना शर्त। तो अभी आप जो है नौकरी चाहते हैं, आप करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्र है अभी आपकी? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं नौकरी पे नहीं हूँ, मैं रिटायर हूँ। तो अभी लोगों की अधिकार की आवाज़, जिसकी 5, 10, 15 साल बच गई शेष है 60 होने पर उनको बिना शर्त बहाल किया जाए। बहाल किया किस सरकार से आपकी ये मुख्य मांगे हैं? ये मुख्य मांगे हम बताया था आपको भारत सरकार से थी। भारत सरकार को कहा कि हमने 3 साल के लिए राज्य सरकार को लिखित में उन्हें दे दिया और ये राज्य सरकार का कार्य है, जो 5 डिपार्टमेंट हमें आपको दे रखे हैं तो राज्य सरकार का कार्य है। अच्छा। वैसे हमारे जहाँ तक दस्तावेज मेरे पास है, दिल्ली में भर्ती 1959 में हुआ था, उसमें दोनों सरकार सम्मिलित है। हम भारत सरकार के नीचे भी कार्य करते हैं क्योंकि बाढ़ ग्रस्त चुनाव में हम जाते हैं तो उनका हिस्सा होता है, शेयर होता है, और राज्य सरकार का भी शेयर होता है, दोनों सरकारों को हम काम करते हैं। नौकरी के लिए आप लोग बैठे हैं, क्या नौकरी, क्या रोजगार, क्या सरकार तो लगातार रोजगार की बात कर रही है, आप लोग जो है जबरदस्ती का आप लोग यहाँ बैठ जाते हैं और बोलते हैं नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। गर्व करिए ना, हिंदू राष्ट्र बन गया है। हाँ बिल्कुल, ये हमें मालूम है और हम चाहते भी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो रूल रोजगार से क्या होगा, हो गया आप बस? नहीं नहीं, हुआ नहीं है मैडम। जो 5, 10, 15 साल रहेगी उनके खाना पीना कैसे होगा? जिसकी 60 साल उम्र होगी उनको छोड़ दीजिए, जो 60 साल से कम है उनको नौकरी चाहिए। तो अब नौकरी के लिए यही तो सरकार को सत्ता में लेकर आए थे सरकार, तो आप गर्व कीजिए ना, हिंदू राष्ट्र बन गया है, सबको टाइट कर दिया है, पाकिस्तान को टाइट कर दिया, टाइट हो गया, बहुत अच्छी बात है। रोजगार तो देखो हमने चाहिएगा, मंदिर बन गया है, खुश हो जाना चाहिए ना। अरे मंदिर बनेगा बड़ी खुशी की बात है, राष्ट्र होगा बड़ी खुशी बात है, हम उम्मीद करते हैं आज। अब तो गर्व से ही जो है, गर्व से ही बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नमो नमो से। मैं ये कहना चाहता हूँ अब जो हमारा संविधान है उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और उस 309 धारा को समाप्त करे या संशोधन करे। मेरी बात सुनो पहले, उस पर संशोधन होना चाहिए। आजाद भारत में हम बंधुआ गुलाम है, हमें आजाद भारत की आपको बार बार हम बता रहे हैं, मैं तो हमारे पास कोई मानव अधिकार 4, 23 और 25 का अनुच्छेदों का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान 14, 16 और 226 का
क्या हम भारतवासी नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी राष्ट्र में रोजगार की बात होती है, जब आप लोगों के ऊपर बात आ जाती है तब आप संविधान को खोजने लगते हैं। संविधान तो राष्ट्र का, देश संविधान से चल रहा है। कहाँ चल रहा है? लोकतंत्र तो हटा दिया है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है अब तो। संविधान हट गया बिल्कुल। कौन कह रहा है ये बात? संविधान भारत बुलडोजर तंत्र चल रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। लोकतंत्र जनता का चल रहा है, भारत का संविधान बना, अमेंडमेंट हो सकता है मैडम। तो वो कौन लोग हैं जो हाथों में संविधान लिए घूम रहे हैं, फिर उनको कहाँ से मिल जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं हाथ में लिया घूम रहा हूँ। 309 हमारे पास लिखित है। नहीं, वो जो उन्मादी लोग हैं वो संविधान ही बताते हैं, तो उनके हाथ में वो कहाँ से लेके पहुँच गए? जहांगीरपुरी में भी ऐसे ही लोग पहुँच गए थे, झंडा फहरा रहे हैं, है ना, भगवा फहरा रहे हैं। हाँ, देखो भारत जो चल रहा है ये आपकी सही है, राष्ट्र हम भी खुश है, हम भी खुश है, मैं करते हैं, सुनो मेरी बात। पर भारत संविधान से चल रहा है, आप लोग लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? अमेंडमेंट 50 बार अमेंडमेंट हुआ है, गुमराह कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, इंदिरा गांधी ने 50 बार अमेंडमेंट किया है, मैं तो अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। अमेंडमेंट किया जाए, नमो नमो पे गर्व है तो गर्व कीजिए ना, रोजगार क्या मांगने में? गर्व यही तो है, हमें आज तक आजाद भारत में है इतनी साल से, 70 साल से, हम तो कई साल से कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या आजाद भारत की सेवा सब बंद कर दोगे? क्या हम पाकिस्तान में चले जाएं? अब गर्व कीजिए, हिंदू बन गया राष्ट्र के। हिंदू बन गया, हिंदू की बात अलग है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, हमें सब बराबर है। या आप लोग बराबर तो देखा ही नहीं जा रहा ना? लोग पत्रकार कहाँ से लाते हो मुझे ये नहीं पता। हमारा सवाल कर लिया तो आप बोल रहे पत्रकार का कहाँ से लाते हो? यहाँ मैंने बता दिया कि इंडिया संविधान से चलेगा। मान रहे लोग संविधान को? अरे कौन नहीं मान रहा है, देखिए ना वहाँ पे, अभी मैं बता तो नहीं जहांगीरपुरी में क्या हुआ, क्या हुआ? अभी पूरे देश में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बुलडोजर तंत्र है, लोकतंत्र। जहांगीरपुरी में क्या हुआ मेरे को नहीं पता। आपको मालूम नहीं है, खबर नहीं देखते? देखो क्या खबर देखो, उसे बताओ। मैंने आपको बता दिया भारत संविधान से चलेगा, और आजाद भारत तो अब 2014 में हुआ है, इससे पहले तो गुलाम था। इससे पहले तो गुलाम था, हम गुलाम पहले से ही है। 6 दिसंबर 1946 में अंग्रेजों ने काला कानून हमारे ऊपर लगाया था, और जो आज सन 1959 मोदी के देश में आप गुलाम बता रहे हैं अभी भी? मैं तो हम हैं, आजाद हो गया है भारत, हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? यस, सरकार के गुलाम हैं। अच्छा, बोलने का अधिकार हमें नहीं है, अगर हमें कुछ बोल दिया तो नौकरी से निकल जाओ, और कुछ कह दिया तो जाओ अपने घर। टर्निंग हैंड है, हम भी एक जवान है, हम मिलिट्री पैरामिलिट्री के आदमी है, पुलिस फोर्स का हमारा नाम दिया था जिसने 1959 में, और हमें स्वयंसेवक बना दिया। वो संविधान ने तो बनाया, किसने बनाया? अब सरकार से मांगे वगैरह आपकी है क्या? हमारे ये है जितने भी होमगार्ड निकाले हुए हैं, 3 साल टर्निंग हैंड उनको बहाल किया जाए। नहीं सुनती सरकार फिर क्या करेंगे? ना सुने, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, और क्या, बस ऐसे आते जाते रहेंगे। इतना सन्नाटा शांति पड़ी है, आपका प्रोटेस्ट ऐसे चल जाएगा? चलेगा शांति से, जब तक शांति से चलता है और चल रहा है, और कुछ नहीं, इतनी गर्मी है अभी आप उठ के चले जाएंगे। सरकार को वापस लेना पड़ेगा मैडम, आप कुछ भी कहो, संविधान से बाहर चलेगा, आप कुछ भी कहो, हम कोई ये नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, सरकार नहीं सुनने वाली। हिंदू 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 है जो भारत में रहता है, मुसलमान सिख ईसाई हिंदू सब बराबर है। आप कह रहे हैं बराबर है, पर बराबर हो नहीं रहा है। बराबर है किसको? सब आजाद है, हमने होमगार्ड को छोड़कर सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, हमें तो बोलने की भी आजादी नहीं है। आप लोगों को नहीं है, बाकी सबको आजादी, सब आजादी, खा रहे पी रहे। मैंने बता दिया देश के इतने हालात खराब हो रहे हैं। अंग्रेजों का काला कानून हमें थोपा गया है, जो लंबी सरकार चली, जो आप कह रहे हो अमेंडमेंट करके 1959 मार्च में भारत आजाद हो गया था ना, वो हमें अमेंडमेंट करके हमें गुलाम बनाया गया, और हमारा रिकॉर्ड है पैरामिलिट्री का। और भी लोगों से अभी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किस लिए बैठ गए हैं यहाँ पर, क्यों क्यों नाराजगी हो जाती है आपकी, मिनट मिनट में नाराज होकर सरकार को घेरने लगते हैं आप लोग? हम सरकार से हमें कोई, हम तो चाह रहे हैं हमारी बहाली हो, हम ऑल इंडिया होमगार्ड से हैं, तो हम चाह रहे हैं जो एक्स होमगार्ड जितने भी हैं उनकी बहाली हो, वापस ही हो, जो रोजगार के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो रोजगार मिल तो रहा है, क्यों परेशान हो रहे? रोजगार मिलता तो हम बैठते क्यों? हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं क्या? बोर्ड लेके बैठे हुए। सरकार तो कह रही है, दावे कर रही है वहाँ पे बैठ के कि सबको रोजगार दिया जा रहा है, जितने लोग करोड़ युवाओं को जो है रोजगार दिया गया है। खोखले दावे होते हैं लेकिन रोजगार तो नहीं है। अगर रोजगार है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रोजगार तो है नहीं ना, खाली दावे हैं खोखले, कहीं कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है।
और हम तो एक्स होमगार्ड है, हमें तो बहाली नहीं हो रही हमारी, तो हमें तो निकाला गया है गलत तरीके से। क्या क्या गलत तरीके से निकाल के बोल के निकाल दिया गया? हमें 3 साल के लिए हमें भर्ती किया गया था, उसके बाद 5 साल 10 साल नौकरी कराई और हमें बाहर कर दिया बिना नोटिस के, बिना किसी। जब 3 साल के लिए भर्ती कराया गया था उसके बाद जब आपसे कराने लगे तब आपने आवाजें क्यों नहीं उठाई कि हमारा 3 साल ही था? 20 साल से बता रहे ना, 20 साल से। तो आपको भी अच्छा लग रहा था कि हाँ बढ़ा दिया? नहीं मैम, करा 20 साल से हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तभी से चल रहे हैं। 20 साल से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तीनों चल रहा है, बाकी बात पूरा डॉक्यूमेंट। 20 साल हो गए, अभी भी कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। नहीं मैम, हमारे पास पूरी फाइल है और ऊपर वाले जाते बहुत शांति से बैठे रहेंगे। नहीं मैम, हमारा काम चल रहा है, कार्रवाई चल रही है हमारी, मतलब आप भी हमारी हर टेबल पे पेपर होंगे, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे पेपर सरकार के पास बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी कार्रवाई चल रही है, हमें पूरा विश्वास है, हमें भारत के संविधान पर भरोसा है, विश्वास है और हम कार्रवाई करते रहेंगे। किससे रख रहे हैं आप, किस सरकार से मांगे रख रहे हैं? दोनों से, हमारा तो दोनों, हमारा तो हमारा काम तो दोनों सरकार से होगा, केंद्र सरकार से भी और इससे भी, दिल्ली सरकार से भी। तो नौकरी मिल तो रही है होमगार्ड्स की और आप बोल रहे हैं कि होमगार्ड की नौकरी कहाँ मिल रही है? अच्छा बहाली कब से नहीं हुई आप बताइए, अभी तो कोई जॉब निकली नहीं है उसमें, तो वैकेंसियां हैं, होमगार्ड में भर्ती क्यों नहीं हो रही? वैकेंसियां तो दिखाई जा रही है, लोग भर रहे हैं, इतना नहीं हो रही भर्ती, क्यों नहीं हो रही होमगार्ड में? बताइए, एक भर्ती हुई अभी तो? पूछा है आपने सवाल सरकार से? मैम सरकार से सवाल पूछा, बाकायदा हमने रिटर्न में दिया है, लिख के दिया, पेपर हमारे लगे हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पे सारे, एक भी हमें पहले बहाली होगी हमारी, बहाली नहीं हुई तो बहाली होगी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं, हमें पूरा भरोसा है, हमें विश्वास है हमारे कार्रवाई पे, होगी बहाली तो होनी है। भरोसा लेके कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक हमारी बहाली नहीं होती। इतना 20 साल हो गए हैं, अब आपके हौसले खत्म नहीं हुए? हौसले खत्म होते तो हम लोग बैठते क्यों? इतने भाई हमारे आए हुए हैं सब, हौसले देखिए शांति सी लग रही है, कुछ नहीं है, कोई जोर नहीं है आपकी आवाजों में किसी के भी। ये तो ऐसे सोच रहे हैं शांति से बैठ के आप बहाली करवाएंगे? ऐसा नहीं है, हमारी पूरी कार्रवाई चल रही है और बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है, हमारे अध्यक्ष हैं दहिया साहब, उनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी हम पहले, देखो हम लोग एक्स होमगार्ड हैं तो हम लोग किसी भी तरह से कोई उपद्रव नहीं करते, तो शांति से ही करना चाहते हैं। मैं कब बोल रही हूँ उपद्रव कीजिए? नहीं आपने तो बोला ना शांति से चल रहा है, कुछ नारे नहीं कुछ नहीं, आप में कुछ जोश नहीं दिख रहा है कि वाकई में अपनी नौकरी पाने के लिए आपके अंदर। मैम आप जोश के लिए क्या करना चाहते हैं, मतलब हम जाके बैरिकेड तोड़े या क्या करें? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ बैरिकेड तोड़ेंगे, अभी आपको उठा लिया जाए। हमारा जो धरना है वो शांतिपूर्वक है और हम बैल से जुड़े हुए सारे हमारे यहाँ पे जवान हैं, तो इतनी गर्मी है आपके ध्वस्त हो जाएंगे सभी राजा। ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे, दिल्ली क्या शर्म आएगी, एसी में बैठे हैं आप, उनको क्या शर्म आने वाली? शर्मान जी हमने इतना समय हम लोगों ने दिया है दिल्ली सरकार को, ठीक है सरकार के पास बहुत काम है, इतना होम गार्ड के लिए सोचने नहीं बैठी सरकार, उसके लिए डिपार्टमेंट है ना सोचने के लिए, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को काम दिया हुआ है ना, हमारे डॉक्यूमेंट्स आज के टाइम में हर टेबल पे हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है और ऊपर वाले जाते तो बहुत जल्दी इसका क्लियर होगा, ऊपर आप भी आएंगे तो ऊपर वाले जाते तो आपको इस चीज के लिए बताया जाएगा, देखो जो हमारा काम हो गया बहुत जल्दी हमारा काम। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, क्या क्या कुछ समस्या है आपको, क्यों बैठना पड़ा यहाँ पे? मैडम बड़ी देर से मैं आपको देख रही थी, आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे चल रहा है आपका आंदोलन जी, खुश हो रहे हैं जी? बिल्कुल मैडम, ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है क्योंकि हमारा दूसरा आंदोलन हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट से आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल हाईकोर्ट से आंदोलन चल रहा है हमारा और हाईकोर्ट से आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के पास हमारे ज्ञापन जा चुके हैं और हमारी कार्रवाई ऊपर से अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है तो फिर परेशान क्यों है, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, घर पे बैठिए? परेशान इसलिए है क्योंकि हमारी कार्रवाई यहाँ से भी, रोड से भी है और हाईकोर्ट से भी है, दोनों तरफ से हमारी कार्रवाई चल रही है। दोनों सरकार से आपने गुहार लगाई है? बिल्कुल। कब से बैठ रहे हैं? 20 साल से। 20 साल हो गया आपको यहाँ बैठे बैठे, आपको अभी समझ जाना चाहिए ना कुछ नहीं होने वाला, घर पे बैठिए आराम से। मैडम 2019 क्यों परेशान हो रहे, क्यों सरकार को परेशान कर रहे हैं बेकार? हमारे धरना प्रदर्शन के कारण ही 2019 में हमारे कुछ भाई लोग वापस ले लिए गए हैं और अभी हमारा थोड़े से टाइम के बाद हम सब भी वापस ले लिए जाएंगे। अच्छा तो आ जाइए, आप क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं? मैंने बताइए सरकार को क्यों परेशान कर रहे हैं? 20 साल हो गया बैठिए घर में। सरकार हमको परेशान कर रही है? कहीं नहीं परेशान कर रही है, बेकार में इल्जाम लगाते रहते हैं आप लोग, मिनट मिनट में आके बैठ जाते हैं धरना देने। क्यों ना बैठे, हम रोटी कहाँ से खाएंगे? धरना नहीं अगर नहीं देंगे, सरकार को नहीं सुनाई पड़ता कि हम भूखे पैसे बैठे हुए हैं? हिंदू राष्ट्र बन गया, रोटी मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी? गर्व कर रहे हैं ना आप लोग, गर्व की स्टोर खुल चुकी है ना, स्टोर ऐसे गर्व करने से मिल जाएगी रोटी? कौन कौन दे देगा? मैं थोप रही हूँ, आप लोग सत्ता में लेकर आए उस सरकार को और आप गर्व कीजिए। हमने बीजेपी को वोट नहीं दी तो हमसे गर्व क्यों करें?
ठीक है ना। बीजेपी की बात नहीं, दोनों सरकार की मैं बात कर रही हूं। सरकार मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करती हूं। किस निष्पक्ष क्या है इसमें, सरकार है किसकी, सरकार किस पार्टी की है, मैं वही पूछ रही हूं। आप बताओ, मुझे तो मालूम है, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, आप उल्टा मेरे से सवाल कर रहे हैं। बताओ किस सरकार है, आप कह रहे बीजेपी सरकार है नहीं, फिर दिल्ली सरकार है ना, फिर इसमें दोनों का अधिकार बनता है, दोनों का है। जो एलजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड है, तो जो कानून वो तो पास करेंगे वो लोग, ये 20 साल से हैं, इनके बच्चे बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब इनकी 20 साल की उम्र गई, जब ये लोग लड़की सारी लायक हो गई, बताओ कहाँ जाएंगे। पहले ये था कि जो हट्टे कट्टे लोग थे वो भर्ती होते होम गार्ड में ले आते थे, चाहे वो पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे हो, अब लोग ये मांगेंगे मैट्रिक पास हूँ, ये क्या शर्त है। गाइडलाइंस क्या तय कर दी है, क्या बोल के आप लोगों को हटा दिया। गाइडलाइन कुछ नहीं, क्या इन्होंने बिना नोटिस के सारे भाई लोग हटाए हैं, सारे के सारे नोटिस के। 2001 में 10,000 आदमी निकाले थे, 2001 में 10,000 आदमी निकाले, 10,000 ऊपर ज्यादा, जब कानून 3 साल का था इनका, तो 10 साल नौकरी क्यों कराई हमारे से। अब 10 साल नौकरी कराने के बाद आपको नोटिस दे दिया जाए, जाओ ये अपने घर जाओ, कहाँ जाएं। जब 3 साल का आपको बताया गया, उसमें लिखा हुआ था बकायदा, लिखा गया था, तो हमसे 10 साल नौकरी क्यों कराई इन्होंने, आपको बोला था कि आप 10 साल और करते रहिए। जब एक बार बताओ, जब हमें रोजगार मिला हुआ हम कर रहे हैं, तो हमें क्या मतलब है, रोजगार आपने दे रखा है 3 साल का और 10 साल कराए, हम तो रोजगार करेंगे, इसमें सरकार की गलती है, हमारी गलती क्या है। उस तीन साल में कॉन्ट्रैक्ट आपके बड़े थे, बड़े नहीं, हम 10 साल नौकरी करे, 10 से 15 कानून का था, इन्हें ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस को इन्हें निकाल दिया। वो हमने बार बार आरटीआई में पूछा, भाई तुम्हारा कानून 3 साल का है, ड्यूटी 10-15 साल कौन से कानून के तहत ली तुमने, उसके पास जवाब नहीं है। और हम 20 सालों से यहाँ जंतर मंत्र पर धरना पल दर्शन भूख हड़ताल करते आ रहे हैं, कभी जंतर मंत्र पर करते हैं, कभी एलजी हाउस करते हैं, कभी सीएम हाउस करते हैं, कभी सचिवालय पर करते हैं, लेकिन 20 सालों से हमारा समाधान नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में वापसी होगी है, दिल्ली में आज तक नहीं हुई है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली में रही, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रही, और केंद्रीय शासित प्रदेश है पंजाब में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश है, वहाँ होमगार्ड की वापसी भी होगी है, 40,000 रुपये तनख्वाह मिला है, पूरा बेनिफिट भी मिला है, ये भी केंद्रीय शासित प्रदेश है, यहाँ बेरोजगारी नहीं मिला है हमें। इतनी जगह आंदोलन कर लिया है आपने, इतना लोगों को सचिवालय के सामने भी कर लिया, सीएम जी बैठते हैं आपको पता है, केजरीवाल जी बैठते हैं, है ना, तो इतनी जगह कर लिया, उसके बाद तो आपको समझ जाना चाहिए वो सरकार तो अनदेखी कर रही है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको, आप बैठिए आराम से। नहीं, सरकार जो बैठी है, सरकार करने के लिए तो होगा, हम तो अपनी एंड तक कहीं ना कहीं आपका आंदोलन कमजोर है तभी ना। कमजोर हम कमजोर नहीं है, कमजोर 20 सालों से अच्छे कमजोर हो जाए, हम 20 साल से फिर भी हम करते आ रहे हैं, धरना पल दर्शन हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, अभी 10 साल और बैठिए, 20 साल हो गया, अभी 10 साल और बैठिए, कोई बात ना, उसके लिए हमने आगे की जो कार्रवाई होगी, आगे के लिए हमने अनशन भी करना पड़ेगा, भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी, हम करेंगे, लेकिन पूरे देश में पहले और ये 99 तक लेकर जब निकाले थे, पूरे देश में निकाले गए थे, 6 लाख होमगार्ड है पूरे भारत में, जब सारे का वापसी कैसे होगी है, वो आंदोलन से हुई है, कुछ कोर्ट की वजह से हुई है, लेकिन पूरे देश में होगी है, दिल्ली में क्यों नहीं हुई है, दिल्ली में भी एक दिन होगी, क्यों, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश करे हैं 6 मार्च 2018 को, 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है, जिनके पास 45 दिन का ट्रेनिंग करवा गए, उनके पास अनुभव है, अन्य विभागों में भेजा जाए, अन्य विभागों में ये नहीं भेजे होमगार्ड के, और अन्य विभागों में सिक्योरिटी आगे बढ़ा दी, और सिक्योरिटी से कमीशन मिलता है, होमगार्ड से कैसे कमीशन मिलेगा, और इसीलिए होमगार्ड आगे आज तक नहीं बढ़ाया है। किस तरीके का कमीशन, कमीशन यही होता, टेंडर होता है, टेंडर होता है प्राइवेटों में, जैसे आप जाके देखो बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल में, और वहाँ पे टेंडर था 11 जनवरी को, जो चले हुए थे, जिनके पास अनुभव भी था, जो होमगार्ड थे, और यहाँ तो नौकरी दी को ना, सिक्योरिटी वगैरह में जहाँ है वहाँ अपने टेंडर दे हैं, जो पैसा देगा उसको नौकरी मिलेगी, नहीं पैसा देगा तो नौकरी नहीं मिलती है, मैं खुद था, मेरे को खुद निकाल दिया, या तो पैसा दे या नौकरी कर, हम तो बेरोजगार पहले भी थे आज भी थे, 1-1.5 साल करी थी, इन्हें निकाल दिया बेरोजगार कर दिए, ये कैसा कानून है, जब ये अधिकारी होते हैं वे छूटते कहते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, शपथ नहीं लेते हैं, इनकी यह शपथ है, कोई 20 सालों से ऐलान तो हर सरकार करती है लेकिन ऐसा क्यों ऐलान कर रहा है, हम 1,00,000 आदमियों को रोजगार देंगे, ये 20 साल ये नू लगा लो, मिल रहा है रोजगार सबको मिला है, 1,00,000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लांछन लगा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार की जो स्टैंक है 10,285 की है, जो स्टैंक है, और जो लोकसभा जो क्वेश्चन 2002 का है उसमें खुद पार्लियामेंट के क्वेश्चन में दिया गया 2002 के में 17,505 होमगार्ड सेवा मुक्त कर दिए, इस स्टैंक 10,285 और पार्लियामेंट ने बताया 17,505, विवेक कहाँ से आगे।
1962 में युद्ध के युद्ध होया था जब चीन के साथ, जब वो होमगार्ड की अहम भूमिका थी 1940 में बनाई गई। उस टाइम की बात छोड़िए, अभी की बताइए, अब क्या भूमिका है? अब तो भूमिका निभाते हुए सरकार रख तो रही है, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोगों की उम्र भी हो गई, अब बैठिए घर में। नहीं, घर में बैठे काम चल जाएगा, खाना पेट में रोटी नहीं चाहिएगी। हम रोजगार हमने सारी जिंदगी निकाल दी। सत्ता में तो आप ही लोग लाए ना सरकार को, सत्ता में हम परेशान हो रहे हैं। हम परेशान, उनने कर ला क्या परेशान, अपने आप तो हो रहे हैं। नहीं तो रोजगार देने में इनका कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन पद खाली भी तो है, हमें क्यों नहीं कर ले? जब पूरे भारत में वापसी होगी, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? अब तो आप लोग कर रहे हैं घर घर मोदी, अब हो रहा है ना, नमो नमो करिए। नहीं नहीं नहीं, नमो नमो तो हो रहा है। हाँ। नमो नमो तो ये अगले जन्म में होगा, इस जन्म में कोई नमो नमो नहीं है। नमो नमो है तो बस उसका है ऊपर परमात्मा का, आगे का कोई नमो नमो नहीं है। जब रोजगार नहीं दे सकते, रोजी रोटी नहीं दे सकते, के नमो नमो करना है? नमो नमो जब नमो नमो हिंदू राष्ट्र बन गया, खुश होइए। नहीं नहीं ना, हिंदू राष्ट्र हमारा पेट मंदिर बन गया है, सब पेट भरतेगा, बच्चों को रोटी दे देगा, बच्चे को रोटी दे। हनुमान चालीसा पढ़िए, सब पेट भरेगा। नहीं नहीं, हनुमान चालीसा तो पेट भर जाएगा, अल्लाह मैं रोज पढ़ूंगा, बैठ कर पढ़ूंगा, रोज चालीसा, हनुमान चालीसा, और मेरे को रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरा जो गृह युद्ध इसी चीज का छिड़ा हुआ है। अब जो है हनुमान चालीसा को जो है महत्व दिया जाए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई हनुमान चालीसा करिए। नहीं नहीं, ये हनुमान चालीसा, कोई शिव चालीसा, कोई भैरव चालीसा, ये चालीसा एक है। कह रहा कितनी चालीसा है, इब कोई आप अपनी चालीसा लेकर चलेंगे तो ये देश का क्या हाल होगा? सब एक ही हो, अभी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा पाए नहीं है, दुर्गा चालीसा नहीं है, कितनी चालीसा है अंदाजा नहीं है, लेकिन जो सारे आदमी हरेक उसको हमने इससे मोदी चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ तो लेंगे मोदी चालीसा, लेकिन पढ़िए मोदी चालीसा मिलेगा आपको, नौकरी तो दे कम से कम, कोई नौकरी देने को राजी नहीं है, तो मोदी चालीसा पढ़ेंगे तभी तो मिलेगी। पढ़िए मोदी चालीसा, जब हम खाएंगे रोटी खाएंगे तभी हम जो है पढ़ सकते हैं, जब खाएंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे? लड़कियाँ शादी करने लायक हो गई, जबकि उनके लिए एक पैसा हमारे घर में नहीं है कि हम उसकी शादी कर ले। हम नौकरी से हमारे 20 साल पहले निकाले, 2001 में निकाला है, हम कहाँ से करेंगे जी? आप एक बार, हम तो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, अब जब दुखी हो रहे हैं तो हम कैसे आगे कार्रवाई करेंगे? हमें लड़कों को पढ़ाना है, लिखाना है, दुखी हो रहे हैं। आप सत्ता में बैठा है ना आपने सरकार, सत्ता में अकेला एक चला भगड़ नहीं छोड़ सकता, उसे सबने फोड़ा, सबने करा, वो सत्ता में बैठाने का मतलब ये नहीं है कि किसी का गला घोटा जाए। यही वादा किया कि हर को जो है कह रोजगार देंगे, जो भूखे प्यासे मरे हैं उनका पालन किया जाएगा, तो सत्ता में बैठ करके फिर और बेरोजगार कर दिया। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, कहना बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? हमारी यही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही विनती है कि हम लोग 20 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बाली के लिए। आप भी करती थी, वर्किंग थी? हाँ जी, वर्किंग थे, हम होमगार्ड में करते थे नौकरी। हमने 1994 में भर्ती हुई थी और 99 में बिना नोटिस के हमें निकाल दिया था। उस दिन से हम जी बेकार बैठे, हमें कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही और हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं कोर्ट। अब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे जितने बहन और भाई रह गए होमगार्ड के, उनको वापसी लिया जाए बिना शर्त के। बिना शर्त के? हाँ जी, हमारी दिल्ली सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही, भारत सरकार से नहीं मानी आपकी शर्त, क्या करेंगे फिर? हम नहीं मानी तो हम भी धरना करेंगे, धरना जारी रखेंगे, आते रहेंगे यहाँ जी, हम ऐसे आते रहेंगे धरना अपना। धूप हो रही है, धूप हो रही है मैडम, क्या इतनी गर्मी है, पेट भूखा है, हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, तो हम तो रोडों पे भी पड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे, भूखे मरेंगे। भूखवा जब हमें भूखे ही मरना है, भगवान ने यही मंजूर दिया, तो हम तो भूखे भी मरेंगे, यही आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करने की आप धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं दे रहे, हम करेंगे, अरेस्ट कर ली जाएंगे, आत्महत्या की बात कर रही हैं। क्यों अरेस्ट नहीं करेंगे? हम तो मरेंगे जब हमें खाने को नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, खुद ही मर जाएगा आदमी। क्या हम यहाँ पे बैठ के दिखाएं कि हम घर में क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या हमारे है? नहीं, अगर सरकार ये चाहे तो हमारे घर की इंक्वायरी लो ना कि हमारे बच्चे है कैसे पल रहे हैं, क्या हम कर करके उनका पेट भर रहे हैं, कैसे हम अपना कर रहे हैं, क्या कैसे गुजारा चल रहा है? कहीं नहीं, हम घरों में काम करते हैं, होमगार्ड से अब घरों में काम और क्या, वो भी नहीं मिलता। वो भी कहते हैं आईडी जमा करो फलाना, और आज हमारे घर में खाना पीना तो हमारी बहुएं भी बना लेती है, झाड़ू पोछा हमारे बस की नहीं है, ये कोई सरकार सुनती है? बर्तन साफ करेंगे तो 1500 रुपए महीने। चलिए, अभी जो है हमने इन्हीं होमगार्ड से जाना कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं। ये इनकी भर्ती हुई थी पहले, इनको 3 साल जो है कॉन्ट्रैक्ट बोल के जो रखा गया था कि 3 साल तक जो है इनकी नौकरी रहेगी, फिर इनसे 10 साल तक काम कराया गया। ये सारे अभी इसी तरीके की बात बता रहे हैं, आपने सुना भी, तो वही सभी मांगे लेकर ये 20 साल बता रहे हैं, 20 साल से बैठे और अभी भी बैठे रहेंगे। तो ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता मैं करती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी, जन जन की आवाज़ को जो है मैं इस अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाती रहूँगी। जब तक देखते रहिए जनहित आवाज़।